व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है। तो हेलो गाइज, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी हम लोग जिस प्लेस पे आए हैं, तुम देख सकते हो इसके चारों तरफ तुमको कुल्फी ही दिखेगा, क्योंकि गाइज इसका नाम है बॉम्बे कुल्फी। और गाइज, जैसा कि तुम अभी देख रहे हो, पूरा समर वाइब एकदम पिक पे है, तो तुम आके यहाँ पे अपना फेवरेट कुल्फी खा सकते हो। और इनका स्पेशलिटी यहाँ पे बहुत तरह का तुमको कुल्फी मिल जाएगा, पैन इंडिया में, इवन आउटसाइड इंडिया भी है। सिंगापुर, दुबई में भी इसका आउटलेट है, और ये न्यू खुला है धनबाद में। तो हम सोचे चलो आते हैं और तुम लोग को एक्सप्लोर कराते हैं। तो चलो आप देखते हैं इन लोग का प्रोडक्ट कितना अच्छा है टेस्ट करके, और प्रोडक्ट का वैरायटी कितना है वो सब जानते हैं। तो गाइज, अभी हमारे साथ यहाँ पे दीपक भैया, यहाँ पे स्टोर मैनेजर है। तो भैया से ही पूछते हैं, भैया प्रोडक्ट कैसा है आपका, मतलब और कितना वैरायटी है इसका? भैया इधर आपको कुल्फी स्टिक में 25 वैरायटी आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया। और कुल्फी स्लाइस में भी आपको वही 20 वैरायटी मिल जाएगा। और आपका नेचुरल्स का आइसक्रीम भी यहाँ पे हम लोग के पास अवेलेबल है। ठीक है भैया। वो भी आपका 25-20 फ्लेवर्स में अवेलेबल है। अच्छा, तो भैया आपका जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है वो सब क्या क्या है? बेस्ट सेलर में आपका सर स्टिक में केसर पिस्ता, आप दिखा सकते हैं भैया? तो इसके ये आपका सर केसर पिस्ता स्टिक है। अच्छा। ये आपका बेस्ट सेलर में आता है। अच्छा, और इसका प्राइस क्या पड़ता है भैया? ये 50 रुपीज़ का है। अच्छा, और भैया हम लोग का यहाँ पे स्टार्ट है। ठीक है भैया। और ब्लैक करंट है, पान मसाला है, मलाई है, ये आपका पान मसाला हो गया। अच्छा, ये आपका 4-in-1, ये आपका 65 का है। अरे वाह भैया, दिखाइए एक सेकंड। चाय के में 4 फ्लेवर है। तो गाइस, जैसा कि तुम देख सकते हो, 4 तरह का फ्लेवर और 4 तरह का कलर भी है इसमें भैया। ये रंगीला 4-in-1। अच्छा, रंगीला, गजब, खतरनाक देसी नाम है। तो इसके बाद बटर स्कॉच। ठीक है भैया। ये आपका मलाई कुल्फी स्टिक है। अच्छा भैया। मैंगो गुलकंद में 2-in-1 में ये आपका। अच्छा, 2 फ्लेवर है। तो गाइस, ये देख, क्या बोले भैया, मैंगो गुलकंद। तो गाइस, ये मैंगो गुलकंद है और 2 फ्लेवर में आता है। ये आपका लीची स्ट्रॉबेरी है 2-in-1। अच्छा, तो ये देख सकते हो गाइस, ये तुम्हारे ट्विन फ्लेवर्स में जो जो अवेलेबल वो बता रहे भैया। ठीक है भैया। उसके बाद आपका गुलाब बादाम, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन पिस्ता। अच्छा भैया, शुगर फ्री कुल्फी भी मिलता है यहाँ पे। तो गाइज, ये बहुत बड़ा बात है, मतलब बहुत लोग होता है जिसको शुगर प्रोहिबिट करता है डॉक्टर, या फिर वो लोग खुद चाहते हैं कि शुगर, तो शुगर फ्री भी कुल्फी है भैया। तो भैया शुगर फ्री है? नहीं, ये आपका शुगर फ्री नहीं है। अच्छा, शुगर फ्री मलाई और शुगर फ्री केसर पिस्ता। तो भैया टेस्ट में तो डिफरेंस नहीं पता चलता होगा शुगर फ्री होने के बाद, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट गाइज ये तुम देखो, अगर जो थोड़ा सा लाइट शुगर होता है, तो गाइज अगर शुगर फ्री कुल्फी खोज रहे हो धनबाद में, तो भाई देखो यहाँ पे तुमको सब मिल जाएगा, और काफी वैरायटी है भैया के पास। और भैया ये क्या है? ये आपका श्रीखंड है। ये अच्छा, गर्मियों के मौसम में ही अवेलेबल होता है। अच्छा, ये बनता खट्टा मीठा टेस्ट है। तो गाइज, ये जो तुम्हारा भैया बोल रहे हैं, क्या बोले, श्रीखंड है, और ये बस समर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है भैया लोग का, और ये केसर इलायची श्रीखंड है। अच्छा, तो भैया इसमें इसका फ्लेवर कैसा आता है? ये आपका दही से बनता है। अच्छा, तो थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट है। अच्छा भैया, बहुत ही अच्छा चलता है ये आपका। फिर केसर पिस्ता मटका में भी अवेलेबल है। तो गाइज, ये देख रहे हो कितना क्यूट लग रहा है, मतलब देखने में, ये देखो, ये मटका कुल्फी बोल सकते हैं एक तरह से इसको। ये आपका मलाई में है, और ये गाइज देखो, ये मलाई में ना, ये मलाई मटका है, ये केसर पिस्ता मटका। अच्छा, तो भैया के हाथ में जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केपी केसर पिस्ता, और ये मलाई आपका मटका। वाह भैया। और भैया चलिए इधर देख लेते, इधर क्या क्या है? इधर आपका भैया कुल्फी स्लाइस। अच्छा, और नेचुरल्स का आइसक्रीम है। अच्छा, इसमें आपका इसका बेस्ट सेलर है गुआवा चिल्ली। अच्छा, अल्फांसो मैंगो। तो ये रहा भैया, एक बार भैया इसको खोल दीजिए ना, थोड़ा क्लियर दिख जाए। ये आपका गुआवा चिल्ली। ठीक है। ये आपका अल्फांसो मैंगो है। ठीक है। नेचुरल्स का टेंडर कोकोनट। ठीक है भैया। नेचुरल्स का आपका कलकत्ता पान। कलकत्ता पान, ये काफी फेमस है कलकत्ता में बेसिकली। हाँ, बहुत ही अल्टीमेट आइटम है सर यहाँ। हाँ, और ये गुआवा। तो भैया हम लोग क्या ट्राई करें आपके हिसाब से, आप क्या ट्राई करवा रहे हैं हम लोग? कलकत्ता पान, आपको इसमें से जो भी अच्छा लगता हो भैया। इतना वैरायटी है ना, मतलब मेरे को तो लग रहा है कि सारा अच्छा। और गाइस ट्रस्ट माय वर्ड्स, मैंने कलकत्ता में खाया हुआ है यहाँ पे कुल्फी, उनका बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। तो देखते हैं भाई यहाँ का कुल्फी कैसा है। देखो ये हम लोग के लिए सर्व किया जा रहा है। इस स्टाइल में तो हमको लगता है धनबाद में फर्स्ट टाइम कुछ इंट्रोड्यूस हुआ गाइस, तो आके एक बार चेकआउट जरूर करना। तो ये देखो गाइस, जैसे ये कुल्फी स्लाइस हो गया तुम्हारा, ये बीके स्पेशल हो गया, एलोंग विथ, ये प्राइस लिखा हुआ है भैया इधर। हाँ। तो एलोंग विथ प्राइस तुमको दिख रहा हुआ यहाँ पे, ये देखो। और गाइस, अभी से आपका 75 तक का ही हम लोग का मैक्सिमम है। तो गाइस काफी बजट फ्रेंडली है, तुम आके एक बार एक्सप्लोर करना। ये देखो गाइस,
अच्छा भैया, ये अलोंग पूरा 50 का है, ये पूरा 50 का है ना। तो ये देख लो गाइस, जितना फ्लेवर 50, ये जितना फ्लेवर 50, और ये तुम्हारा 70 का सारा प्रोडक्ट है जो सीजनल है। स्ट्रॉ देख लो गाइस, और ये गाइस रहा नेक्स्ट। हम बता नहीं सकते गाइस, ये सब तुम फील करोगे आओगे तो बहुत अच्छा भैया। मेरे को बहुत पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा गाइस, तुम लोग भी आके चेकआउट जरूर करते रहते तो। हाँ भैया, मतलब ये जो जितना भी फ्रूट्स के हैं वो सारे पल्प से बने हुए हैं, मतलब गाइस की उसमें कोई एडेड फ्लेवर नहीं है। मतलब जैसे तुम अपने घर में आम लाते हो, उसको उसका पल्प निकालते हो, सेम वही मेथड है। और ये आपका कैलकाटा पान जो है, ये पान का सारा इंग्रेडिएंट्स है और पत्ता भी इसमें ग्राइंड करके दिया हुआ। अच्छा, पान का पत्ता भी डाला हुआ इसमें। अच्छा, जो जो आपका बंगला पत्ता है, सूखा पत्ता, अच्छा जो मेरा पत्ता आता है जी, वो भी ग्राइंड करके इसमें दिया हुआ होता है, और आपका पूरा मीठा पान का फील आएगा। और हम लोगों के पास यहाँ पे सीजनल आइसक्रीम भी अवेलेबल है जी, वो भी आपका पल्प से ही बनता है। जैसे कि आपका अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, अभी मैंगो कैसा रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है कस्टमर की तरफ से? यहाँ पे हम लोग अभी ठीक है, तो कस्टमर फीडबैक सही मिल रहा है। हाँ, हम लोग का 100% फीडबैक है, बाकी उसके बाद जानने का और थोड़ा सा कस्टमर हम लोग नहीं हुआ है। तो गाइस, इस वीडियो को बहुत शेयर करना, बिकॉज अगर तुम जानोगे नहीं तो आओगे कैसे, सीधी सी बात है। ठीक है, थैंक यू भैया।